तो आज मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं किसी में मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं अपने आप को उसको प्रमोट कर रहा हूँ। मैं कहता हूँ कि मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़े आपको। राजू भाई ये कहते थे ना कि 80% बीमारी आपके घर की रसोई घर से बनती है और घर की रसोई घर से ठीक हो सकती है। तो 80% बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो आपको 80% बीमारी आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, ना आयुर्वेदिक, ना होम्योपैथिक, ना एलोपैथिक। तो ऐसी व्यवस्था मैं करना चाहता हूँ। आप कहाँ से हो सर? मैं गंगानगर से हूँ। गंगानगर, ये राजस्थान में? हाँ जी, हाँ जी, राजस्थान में। आपकी माता जी? हाँ जी, हाँ जी, जीतो देवी। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा जी, उनकी उम्र 61 साल उम्र है। हाँ जी। उनको क्या प्रॉब्लम थी सर, और कहाँ कहाँ आपने इलाज करवाया, और मेरे पास आने के बाद कितने आराम मिला, ये पूरी डिटेल शुरुआत से बताएं आप। स्टार्टिंग में क्या दिक्कत हुई थी उनको? शुरुआत में उनको 2015 में उनके यूट्रस में गांठ थी। अच्छा जी। हमने 1 साल तक तो इलाज करवाया बाहर से, वो यूट्रस की गांठ बढ़ती जा रही थी। उसको हमने 2016 में रिमूव करवा ली, ऑपरेट करवा लिया। अच्छा जी। 2016 में गंगानगर से ऑपरेट करवाया। ऑपरेट करवाने के बाद लगभग 2 साल बाद 2018 में फिर से वो गांठ ब्रास्ट में बन गई, चेस्ट में। बढ़ गई मतलब यूट्रस से चेस्ट तक आ गया? हाँ जी, ठीक है जी। चेस्ट का भी हमने 6 महीने तक इलाज करवाया, कोई इलाज नहीं हुआ। फिर उसको ऑपरेट करवाया हमने 2018 में। 2018 में ऑपरेट करवाने के बाद उसके बाद फिर से 6 महीने बाद फिर से गांठ बन गई जहाँ से ऑपरेट हुआ था। हाँ, और उसका इलाज हमने काफ़ी जगह से करवाया है, गंगानगर से भी करवाया, बीकानेर से भी करवाया है, काफ़ी जगह से करवाया, कहीं से कोई आराम नहीं आया। 15-20 दिन आराम रहता है, उसके बाद वो यथावत स्थिति रहती थी। मतलब आपने अपने हिसाब से तो अच्छे अच्छे हॉस्पिटल में गए हो? क्या? बिल्कुल बिल्कुल, काफ़ी हॉस्पिटलों में हम गए हैं, और गंगानगर में भी एक हॉस्पिटल है मैक्स केयर के नाम से, वहाँ से भी ट्रीटमेंट चला है। मैक्स केयर तो जी, मतलब आप पैसे भी आपको? हाँ, काफ़ी लगाए हैं जी पैसे। ऑपरेट भी कराया तो आपने, अप्रोक्सीमेट आपने कितने पैसे लगा दिए थे? लगभग 4 से 5 लाख रुपए लगे हैं। 4 से 5 लाख रुपए लगा दिया था। और लगा लो कि आप अभी, आपको 2021 चल रहा है जी? 22 चल रहा है। हाँ, 2022 हो गया जी। 2022 हो गया, तो मैं लगा लो आपको कितने साल हो गए? 4 या 5 साल हो गए। 5 साल हो गए। 5 साल से लगातार आप ट्रीटमेंट ले रहे हो जी? ठीक है। और मेरे पास आप आए हो, आए थे 31/12/2021 को? जी जी, ठीक है जी, बिल्कुल। और आज आपको 18 दिन हुए तक अप्रोक्सीमेट? जी जी, ठीक है जी। मेरे पास जब आए थे पेशेंट की क्या कंडीशन थी आपकी? पेशेंट की कंडीशन काफ़ी डाउन थी। यहाँ पे आए थे तो बहुत ज़्यादा पेन था, बैठ नहीं पा रहे थे यहाँ पे। अच्छा जी। उस दिन आए थे सुबह, हमें यहाँ पे 6:30 बजे पहुँच गए थे, तो बैठ नहीं पा रहे थे बिल्कुल भी वो। और ये 18 दिन की दवाई के बाद लगभग 25-30% उनको फ़र्क है। क्या क्या फ़र्क लगा आपको? फ़र्क उनका, जैसे एक तो ये हाथ था जिस साइड में उनका ऑपरेट हुआ था, ये हाथ बिल्कुल ही ऐसे ना उठता नहीं था, दर्द होता था पूरा, वो हाथ बिल्कुल यहाँ तक वर्क करने लग गया। वर्क करने लग गया बिल्कुल, ठीक है जी। और फिर उनके ना, जैसे इस साइड में चेस्ट में उनके ऑपरेट हो रखा है, इस साइड में भी दर्द होता था अंदर, दूसरी साइड में दूसरे, वो बंद हो गया बिल्कुल। अच्छा जी। अभी जो वो गांठ है उसमें ही दर्द हो रहा है, बाकी जगह दर्द बंद हो गया। बाकी जगह दर्द हो गया जी। जबकि मेरी किसी भी दवाई में कोई भी पेन किलर नहीं है जी। मैंने आपको बताया था कि मैंने खुद ही कहता हूँ कि किसी भी मेरी दवाई को कहीं भी जाके आप टेस्ट करवा लो जी, किसी में पेन किलर नहीं है। मेरी तो सारी दवाइयाँ जो गौमूत्र से बनी है जी, और गौमूत्र जब शरीर के अंदर जाता है तो दर्द होना चाहिए जी जी, ठीक है। जब वो दर्द खत्म कर रहा है और 18 दिन के अंदर, जबकि मेरे हर वीडियो में यही कहानी है कि 18 से 20 दिन के अंदर, और मैंने बोला भी था आपको जी जी कि अगर आपको इन 20 से 22 दिन के अंदर या 18 दिन का कुछ फ़र्क मिलता है 15 से 20 दिन में, तो मेरी आगे दवाई ले जाना, और अदरवाइज अगर आपको लगता है कि नहीं जी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं है तो मत ले जाना, ये बात मैं आपको कही थी बिल्कुल। और मेरे सभी पेशेंट के, आज देखोगे सभी पेशेंट को मैंने 18 से वही 20 दिन के मेरे फ़र्क बताते हैं, और ये लगा लो 25-30% फ़र्क जी, तो बहुत ज़्यादा फ़र्क है। जबकि आयुर्वेद को बोला जाता है कि स्लो स्लो चलेगा जी, क्यों जाना आयुर्वेद में ले जाके पेशेंट को क्या मारना है। अब लगा लो कि आपने तो सभी कुछ करा लिया, बड़े बड़े हॉस्पिटल में आप लोगों को कीमो भी करवाया होगा, रेडिएशन भी करा लिया। नहीं, कीमो रेडिएशन नहीं होता, ऑपरेशन करवाया था। ऑपरेट करवाया था दो जगह थे, सिर्फ ऑपरेट करवाया था जी। इनको मैलेग्नेंसी बता रखा है जी, मैलेग्नेंसी है जो कि बॉडी में
एक तरह से लगा लो कि मधुमक्खी की छत्ते की तरह ग्रोथ करती है, जब भी नीचे से ऊपर तक आपका ग्रोथिंग हो गया तो कंडीशन एक तरह से लगा लो कि आपको पता 61 साल की उम्र में वैसे भी कीमो लगेगा नहीं। जी जी, कीमो जो उसी को लगेगा जिसके शरीर में जान है बॉडी में, तो इसी वजह से उन्होंने कीमो नहीं लगाया होगा, कारण ये भी रहा होगा जी जी कि भी उसका कीमो बॉडी सहन नहीं कर पाता। ठीक, तो आज जिस आयुर्वेद को बोला जा रहा था कि स्लो है, उसको मैंने 18 दिन में ही रिकवरी करके दिखाया। और मैं ये नहीं कहता कि मैंने करके दिखाया, मैंने जो आपको दिनचर्या बताया, बिल्कुल जैसे आपको बताया था कि पेशेंट को दांत किसे साफ करना, बिल्कुल दातुन से, दातुन से, नीम के दातुन से, भोजन का बर्तन भी मैंने आपको बताया था मिट्टी का, मिट्टी के बर्तन में। तो पेशेंट को नहीं, मैंने तो ये कहा था कि पेशेंट को मैं किसी तरह से कोई गारंटी नहीं लूंगा कि ठीक कर दूंगा, मैंने बोला भी था आपको बिल्कुल बिल्कुल कि मैं गारंटी का मतलब क्या होता है, भगवान, और झूठ बोलना, मैं भगवान हूँ नहीं। जब पेशेंट ऐसा पेशेंट की रिकवरी आ रही है 18 से 20 दिन तक, तो मैं आपको बोला था कि ये नीम आपको सबको करने जी, गौमूत्र के बारे में मैंने बताया था आपको जी जी, गौमूत्र आप पेशेंट को दे रहे हो, दे रहे हैं। मैंने बोला था कि मेरे को जब प्रॉब्लम हुई थी कि मेरे को डॉक्टर ने कहा था कि 1.5 महीने बाद आपकी डेथ हो जाएगी, मेरे लंग्स खराब हुए थे, मैं सिर्फ गौमूत्र पी के ठीक हुआ जी। तो मैं ये बोलता हूँ कि अगर आज गौ माता को लोग जैसे कहते हैं कि गौ माता भाई घर पे नहीं होनी चाहिए, गौशाला की होनी चाहिए, रोड पर नहीं घूमनी चाहिए, तो ये बातें क्या आपको लगती है सही कि ये सही है? सही नहीं है, ये सही नहीं है। अगर मैं कहता हूँ कि अगर गाय नहीं हो, तो मैं खुद ही कहता हूँ कि आपको ठीक भी नहीं कर पाऊंगा बिल्कुल, क्योंकि मैं जब गौमूत्र पी के फिर बिल्कुल ठीक हुआ हूँ, तो फिर दवाइयों का क्या, दवाई तो उन लोगों के लिए जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा, अगर स्टार्टिंग में कोई प्रॉब्लम है, शुरुआत हुई है, तो मैं कहता हूँ सिर्फ गौमूत्र का सेवन से ठीक हो सकते हो, सिर्फ गौमूत्र, क्योंकि मैं तो गौमूत्र पिया। तो आज गौ को लेकर जो विषय है हमारा, मैं कहता हूँ कि हर घर में गौ होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आज लगा लो अगर गाय नहीं है, तो फिर अपने डॉक्टर का खर्चा निकालो आप, क्योंकि जितनी भी चीज़ आप खा रहे हो सब में DAP यूरिया पेस्टिसाइड, आप लगा लो केला पपीता चीकू आम अंगूर जो भी है सब कार्बेट से पकाए जा रहे हैं, जितने भी सब्जी है सब इंजेक्शन लगा रहे हैं लोग उसमें, बिल्कुल जितने भी अनाज उग रहे सब DAP यूरिया, तो किस किस चीज़ से बचोगे आप? सही है, क्या क्या तो इसमें बताया गया, अगर हम गौमूत्र पीते हैं रोज, तो मैं कहता हूँ कि बॉडी में जो टॉक्सिन जा रहा है ये तो डिटॉक्स कर देगा आपको गौमूत्र ही। लेकिन अब क्या हो रहा है, गौमूत्र का व्यापार चालू हो गया बाजार में, सब आपको गौमूत्र के नाम से जो अर्ग दे रहे हैं, आप देखोगे प्लास्टिक के बोतल में, आप बताओ प्लास्टिक के बोतल में तो पानी भी खराब हो जाता है, हो जाता है, तो फिर ये गौमूत्र कैसे बिक रहा है? फिर सब ने अपना अपना राय दे दिया, फूड ग्रेड है, क्योंकि व्यापार नहीं होगा ना कांच की बोतल में, और व्यापार जरूरी है। तो मैं कहता हूँ कि गौमूत्र ताज़ा लेना आपको, कोई भी अर्थ नहीं चलेगा, मैंने आपको बोला भी था बिल्कुल। कई लोग कहते हैं कि हमें गौमूत्र नहीं मिलता, मैं कहता हूँ मेरे पास वो दवाई लेने भी ना आए, क्लियर सी बात, गौमूत्र तो चाहिए रोज, और मैंने कहा भी था आपको कि गौमूत्र आपको रोज लाना है, बिल्कुल रोज ले रहे हैं, और गाय भी एक ले आए थे उसी दिन। अच्छा, और उसी से फिर तो बड़ी अच्छी बात है जी, आज ये इस बात की खुशी है कि मेरा जो लक्ष्य था ये कि हर घर में गाय, जिसके घर में नहीं है वो जाए गौशाला में और जाके बोले कि एक गाय और एक नंदी का खर्चा बताओ, बिल्कुल देंगे, क्योंकि आज गौशाला में जो है वो आपकी गाय होनी चाहिए, गौशाला वाले की हिम्मत नहीं कि उसको ना खिलाए, क्योंकि आपको रोज जाना है, बिल्कुल गौमूत्र रोज पीना है और सबको पीना है, बिल्कुल बिल्कुल, ये नहीं कि मरीज की बात है, सबको पीना है। तो बाजार में ये जो जो लोग गौमूत्र का बेचने का धंधा कर रहे हैं, मैं कहता हूँ वो बंद होना चाहिए, हर बंदे की गाय होनी चाहिए, घर में जगह है अगर मान लो तो अपने घर में रखो, नहीं है मान लो फ्लैट में रहते हो तो गौशाला में जाके बोलो भाई इसका खर्चा बताओ, ये मेरी है, जिस दिन मेरे पास औकात होगी, मेरे पास मैंने जमीन ले ली, तो मैं ये अपने ले जाऊंगा अपनी माँ को, बिल्कुल जब तक व्यवस्था नहीं है, जब तक आप लोग रखोगा रोज जाओ उसकी सेवा करो, खुद गौशाला वाला सेवा नहीं आप खुद करो। तो आज मैं जितने भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं किसी में मेरा ये मकसद नहीं है कि मैं अपने आप को उसको प्रमोट कर रहा हूँ, मैं कहता हूँ कि मेरे पास आने की जरूरत ही ना पड़े आपको। राजू भाई ये कहते थे ना कि 80% बीमारी आपके घर की रसोई घर से बनती है और घर की रसोई घर से ठीक हो सकती है, तो 80% बीमारी के लिए हम डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर के पास समय ना होने के कारण डेथ भी होता है। तो आपको 80% बीमारी आपको डॉक्टर के पास जाना ही ना पड़े, ना आयुर्वेदिक ना होम्योपैथिक ना एलोपैथिक, तो ऐसी व्यवस्था मैं करना चाहता हूँ, अगर एक्सीडेंट हो गया या फिर कोई ऐसी दिक्कत आ गई कि स्टिचिंग करनी है ब्लड चढ़ाना है तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़े। छोटी बीमारी बड़ी बनती है किन कारणों से, क्योंकि उसका केयर नहीं हो पाता अच्छी तरह, तो छोटी बीमारी बड़ी बने नहीं, तो उसके लिए मैंने बताया था कि आपके रसोई घर को बदलना, बिल्कुल जिसको आप लोगों ने किचन बनाया जी आपने किया बिल्कुल। तो मेरा तो ये विचार है कि आप कम से कम आप लोगों को अपने विचार बताओ कि क्या करना चाहिए ताकि लोग ठीक रह सकें। इसमें आयुर्वेद को अपनाकर और अपना जो किचन सिस्टम है उसे बदलकर रसोई घर बना के उसे, और गौ माता को अग्रणी रख के
अपने बचा जा सकता है। गौमूत्र अमृत है, इसे पीना चाहिए। और जैसे मेरे पास पहले ऑलरेडी 3 गाय थी, पर वो थोड़ी दोगलेपन में थी, तो मैं बिल्कुल देसी गाय लाया उसी दिन जिस दिन यहाँ से गया। वेरी गुड। और ला के उसी दिन से चालू किया है, और अभी मैं भी चालू कर रखा है, मैंने भी, तो सभी कर रहे हैं। आप भी वो मत पीते हो? बिल्कुल बिल्कुल। बड़ी अच्छी बात है जी। तो मैं यही कहा कि भाई आज हमें लोगों को जगाना है, तो आपका क्या नाम बताया जी? कश्मीरी लाल है जी मेरा नाम। कश्मीरी लाल जी, आप गंगानगर से हो, राजस्थान से? जी जी जी। ठीक है, आपसे मिलकर जी बहुत खुशी हुई। चलो अब माता जी को मेरे को उम्मीद है कि बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, जब 18 दिन में रिकवरी है। ठीक है, ठीक है, नमस्कार।